नमस्कार साथियों साथियों, देखिए मैं संडे को एक हम एक कैंप लगाते हैं, कुछ सामाजिक सेवा करते हैं। तो टास्कर के सहयोग से हमने एक कैंप लगाया था। हमारे बराबर में एक पार्क है और वहाँ शाम को बहुत लोग बहुत एक्सरसाइज करने, घूमने, वह प्रकृति का नज़ारा लेने के लिए। आजकल हेल्थ के प्रति भी बहुत कॉन्शस हैं लोग जो है। और वहाँ हमने एक सामाजिक कार्य कैंप लगाया था। उसका जो हमने उद्घाटन, हमारी जो समिति है, सोसाइटी है, वेलफेयर सोसाइटी, उसके अध्यक्ष श्री राम कुमार जी से करवाया। और इसके बाद वहाँ पे हमने एक सामाजिक कार्य किया, लोगों को जानकारी दी, स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी दी। तो ये सामाजिक सेवा हम हर संडे को कहीं ना कहीं जो हमारे असक्षम, बुजुर्ग, अज्ञान, स्वास्थ्य के प्रति जिनको जागरूकता नहीं है, जो दिव्यांग हैं, उस तरह लोगों के लिए, महिलाएं हैं जो आने जाने में सक्षम हैं, उनको वहीं पे पार्क में घूमने आते हैं, वहीं पे कैंप लगाया उनको। ये फ्री हेल्थ चेकअप कैंप है इनके लगाया, और उसके बारे में यहाँ पे हम जानकारी दे रहे थे। तो ये कार्रवाई हमने कैंप के अंदर प्रकृति की जो छटा है, एकदम वहाँ चारों तरफ वृक्ष हैं, फूल हैं, उनके बीच में, ये एक शनि रविवार को, हमने हर शनिवार ये काम करते हैं, हम सामाजिक सेवा का कुछ काम करते हैं, तो वहाँ लगाया। वहाँ तभी मैंने देखा कुछ पेड़, कुछ क्या, एक पेड़ मेरे को बहुत ही गजब का लगा, एकदम फूलों का छाता दिखाई दे रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे इस पेड़ को शेयर करूँ। ये पहले भी एक दो जगह में सड़क पर कहीं जाते जाते दिखाई पड़ा था ये पेड़ मेरे को, और फूलों से भरा हुआ था। और यहाँ मेरे सामने अचानक पड़ जाता है ये, उसमें काफ़ी बड़ा पेड़ है, और इसको आप लोग सभी जानते होंगे। ये जो पेड़ हमारा है, जिसकी मैं आज बात करने जा रहा हूँ, इस पार्क में लगा हुआ है, और काफ़ी बड़ा पेड़ है, काफ़ी पुराना पेड़ है, और इसको कहते हैं गुलमोहर। तो ये गुलमोहर का पेड़ जब ये कैंप में हम लगाए हुए थे जहाँ पे, वहीं पैदा। ये देखिए, ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, एकदम लाल फूलों से लदा हुआ गुलमोहर का पेड़, गुलमोहर का वृक्ष, इसको इंग्लिश में पोइंसियाना, पोइंसियाना या रॉयल पोइंसियाना या फ्लेम ट्री, इसको स्वर्ग का फूल कहते हैं एकदम से, क्योंकि ये, और इसको जंगल की ज्वाला भी बोलते हैं। इसको संस्कृत में कहते हैं राज आभरण, जिसका मतलब है राजसी आभूषणों से सजा वृक्ष, इसको कृष्ण चूड़ भी कहते हैं। और गुलमोहर तो हिंदी में सभी लोग बोलते हैं। इसका जो बॉटनिक नाम है वो है डेलोनिक्स, डेलोनिक्स रेजिया। तो डेलोनिक्स रेजिया जो है, इसकी जो फैमिली है, इसका जो परिवार है, वो है लेग्यूमिनेसी या फैबेसी, दलहनी जो हमारी परिवार है, वो इसी में से है इसका, ये जो गुलमोहर है हमारा। और लाल फूलों वाला पेड़ है, और ये जो नेटिव प्लेस, इसकी जो जन्मभूमि है वो मेडागास्कर। तो भरी गर्मियों में इस पे जो ना पत्तियां कम और फूल ज़्यादा, इतने फूल आप गिन नहीं सकते, इतने नीचे पड़े रहते हैं, गिर गिर के आप गिन नहीं सकते, इतने फूल आते हैं। और पत्तियां तो नाम मात्र को ये दिखाई देती हैं अप्रैल मई में, इसमें खूब अप्रैल से लेकर ये जून तक खूब फूल देता है। हालांकि कभी कभी नवंबर पे तक भी दिखते हैं, लेकिन ठंडक में इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, और पत्तियां उत्तियाँ गिरा देता है, फूल गिरा देता है। और गर्म और नमी वालों स्थानों में उगता है, क्योंकि मेडागास्कर का है, और मकरंद का ये अच्छा स्रोत है। शहद वाली मक्खियाँ इस पर खूब मंडराती रहती हैं, और परागण इसका, इसमें जो परागण है ना, मुख्यतया ये पक्षियों द्वारा होता है, तितलियों द्वारा है। सूखी सूखी एकदम, मतलब ड्राई सॉयल जिसको कहते हैं, कठोर भूमि पर भरपूर शाखाओं वाले इस पेड़ पर पहला फूल निकलने के बाद 1 सप्ताह के अंदर पूरा वृक्ष गाढ़े लाल रंग के अंगारों जैसे फूलों से भर जाता है। लाल, नारंगी, पीले रंग के फूल भी आते हैं। इसके फूलों से श्री कृष्ण भगवान की जो ना प्रतिमा जो होती है ना, उसका जो मुकुट होता है, उस मुकुट का श्रृंगार किया जाता है, इसलिए इसे कृष्ण चूड़ भी कहा जाता है। वो भीषण गर्मी में इसके फूल आँखों को ठंड पहुँचाते हैं, और नवंबर के बाद इसमें फूल, नवंबर के बाद इसमें फूल नहीं रहते, नवंबर तक कहीं कहीं दिखाई देते, लेकिन गर्मियों में खूब फूल आते हैं। पार्क में, बगीचों में, सड़क के किनारे ये लगा हुआ आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी बड़ा वृक्ष है, देखिए पार्क के एकदम
किनारे पे बाउंड्री पे लगा हुआ है, और अप्रैल से जून तक खूब फूल आते रहते हैं। फूलों की चादर ओढ़े रहता है बसंत से नवंबर तक। अप्रैल मई में तो फूलता ही है खूब, इसमें आते रहते हैं। और खास औषधीय गुण है इसमें, खूबसूरत फूलों वाला वृक्ष तो है ही है। ये जो मधुमेह विरोधी है, जीवाणु रोधी है, डायरिया रोधी है, एंटी माइक्रोबियल गुण, सूजन रोधी गुण इसके अंदर है। ये जैसे मैंने बताया एंटी माइक्रोबियल है, एंटी डायरिया है इसमें, और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी पायरेटिक है, एंटी डायबिटीज है ये। और ईंधन में तो काम होता ही है, और वो ऑर्नामेंटल है, सजावटी पौधा है। और जैसे इसको जो हाइट होती है ना 15 से 40 मीटर तक चली जाती है, और इसकी उम्र 20 से 25 वर्ष होती है। और लगाने की अगर बात करें तो इसे वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, सैंडी सॉइल, और फुल सन चाहिए इसको, और 14 से 26 डिग्री औसत तापक्रम पे ये बहुत बढ़िया चलता है। तेजी से बढ़ने वाला पर्णपाती पेड़ है, बेशकीमती पेड़ है, फैला हुआ एकदम छाता है, छतरी है, छत्र है एकदम। और इसका प्रोपेगेशन जो है ना मुख्य रूप से बीज से और कटिंग से भी हो जाता है। जब इसकी छटाई करें उसमें जो कटिंग लगे, बरसात में उसकी कटिंग लगा दीजिए, या बरसात में ही इसको मानसून जब होता है तो उस समय बीज से बो सकते हैं। इसके बीज के ऊपर ना एक बड़ी कठोर परत रहती है, हार्ड सीड कोट होती है इसकी, और ये जब गिर जाता है जमीन में तो ऐसे ही पड़ा रहता है 2-3 साल, और सीड डोरमेंसी के कारण इसमें जमाव नहीं होता। तो इसको जर्मिनेट करने के लिए इसमें एक सीड की जो है ना स्कैरिफिकेशन प्रक्रिया करनी पड़ती है, मतलब बाहरी जो इसकी जो कोट होती है, हार्ड सीड कोट जो होती है, उस आवरण को काटना पड़ता है या कमज़ोर पड़ना करना पड़ता है। तो उसको कमज़ोर करने के लिए ना उबलते पानी में इसको रात भर रखा जाता है, तो उसके बाद इसको आप बो सकते हैं। और इसको ना कटिंग से भी लगा सकते हैं, 24 घंटे इसको भिगोने के बाद इसको लगा सकते हैं। 15 से 10 दिन में, 5 से 10 दिन में या 15 दिन में जमाव होने लगता है। ये सॉयल इरोजन को रोकता है, जहाँ लगता है सॉयल इरोजन को रोकता है, भूमि को कटने नहीं देता है। और ये जो इसका जो लैक इंसेक्ट होता है ना, उसका होस्ट प्लांट भी है। तो इसके कई फायदे हैं, औषधीय गुण तो इसके अंदर हो ही हैं। उथली जड़ होती है इसके, तूफान में आंधियों में एक उखड़ सकता है, ऊपर ही रहती है, फर्न जैसी पत्तियां होती हैं, और इसके बोनसाई भी बना सकते हैं। आप गमले में लगा सकते हैं क्योंकि, लेकिन ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और तेज़ी से बढ़ना ये है कि एक साल में ये 5 फीट बढ़ जाता है। 6 घंटे इसको धूप चाहिए, तो बोनसाई अगर बनाना है तो उसके लिए कर सकते हैं, नहीं तो खुले में लगाना चाहिए। ट्रॉपिकल प्लांट है, और हर 3 माह में इसको जैविक खाद आप दे दीजिए तो अच्छा चलता है। प्राकृतिक छतरी वाला पेड़ है एकदम, और ईंधन में भी इसको इस्तेमाल होता है। इसकी छटाई बसंत के शुरू में कर लीजिए, जब छटाई करें तो तब भी उसकी कटिंग जो आती है उसको लगा सकते हैं। इसकी मिट्टी नम होनी चाहिए, और इसको जो बेस्ट टाइम जो है बोने और रोपने का वो है मानसून वाला सीजन। और इसमें जो ना 5 पेटल वाला पंजे जैसा एक फूल आता है, और इसमें 4 तो एक समान लाल रंग के होते हैं, लेकिन एक में लाल, सफ़ेद, नारंगी, पीले, कई रंग के उसमें रंग होते हैं एक पेटल में, तो वो उसको कहते हैं ओड पेटल। ये पोलिनेटर्स को आकर्षित करने के लिए प्रकृति ने इस तरह की इसमें सुविधा एक डेवलप की है। और औषधीय गुणों वाला ये सजावटी पौधा बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये अपने जब हम कुछ सामाजिक कार्य कर रहे थे पार्क में, तभी मेरे मन में आया कि मैं इस पौधे के बारे में, इस पेड़ के बारे में, क्योंकि मैं गार्डनिंग और फार्मिंग से संबंधित चीज़ों को आपसे शेयर करता रहता हूँ, तो आपसे शेयर करूँ। अगर आपका आज का वीडियो अच्छा लगा और आप इसको उगाना चाहते हैं अपने खेत में या अपने बगीचे में या घर के बाहर, तो इस पेड़ को जरूर लगाइए, और ये जो सूचनाएं आज की आपके लाभकारी होंगी। थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी वीडियो में। थैंक यू।